Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. मुझे पता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स निकल चुके हैं, अभी 10th 12th के CBSE पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, आप इंग्लिश में खुद को प्रोग्रेस कर सकें. और एक दो एग्जाम ही नहीं होते हैं लाइफ में, अभी बहुत सारे एग्जाम्स फेस करने हैं, इसीलिए मैं कुछ बेसिक ग्रामर लेकर आई हूँ. आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे गए होंगे और मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे. आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ग्रामर रिलेटेड. मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी लिटरेचर के ऊपर. मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किया है. आप चैनल पर जाकर चेक करें, अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोज आप तक पहुंच सके. मैं हमेशा से कोशिश करती रही हूँ कि आपके ग्रामर सेक्शन को मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है. आप एक कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, रैंडम किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, किसी भी रीजन से जाते हो, आपसे क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही पूछे जाते हैं. हाँ, वो ऑप्शनल रहता है हिंदी या इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक जो होते हैं वो जरूर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ये कन्विंसिंग लैंग्वेज है, एक मीडियम है जिसे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं. तो आप इससे दूरी नहीं बना सकते, आप इसको नकार नहीं सकते. ठीक उसी तरह से आइए देखते हैं सिंटैक्स के बारे में क्या होता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं सिंटैक्स, जहां पर हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि प्लूरल टू सिंगुलर एंड सिंगुलर टू प्लूरल एज वेल. तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपके बेसिक ग्रामर में देखेगा कि आप सिंगुलर क्या यूज कर रहे हैं या जेंडर आप क्या यूज कर रहे हैं. मैंने पहले भी बताया था जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक उसी तरह से सिंटैक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं रैंडम कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, मुझे लगता है कि क्वेश्चन से बेसिक ग्रामर को कवर किया जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टिक. इस रूम में जो फर्नीचर है, जो भी सामान है, फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी से संबंधित जो भी सामान है, वो टिक का बना हुआ है. टिक एक प्रकार की लकड़ी है, अ काइंड ऑफ वुड टिक इज. तो इसका जवाब है द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टिक. आप जब सिंटेक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो फर्नीचर होता है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर कैरी करता है. फर्नीचर के लिए आर नहीं, फर्नीचर के लिए एप्रोप्रिएट आंसर होता है इज. मैं एक सेपरेट वीडियोस और डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगी सिंटेक्स के लिए, तो उसमें मैं सारे बेसिक्स को क्लियर कर दूंगी. ये रैंडम क्वेश्चंस हैं. तो फर्नीचर के लिए आर नहीं, फर्नीचर के लिए इज यूज होगा. तो यहाँ पर यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा. दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं. गॉड ब्लेसेस यू. हाँ, आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं कि जो भगवान होते हैं वो सिंगुलर अगर है तो उनके लिए ब्लेसेस यूज होगा. और यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मैंने यूज किया है, विस्मयादि बोधक जिसको हिंदी में कहते हैं. कुछ इंग्लिश हिंदी समझना भी जरूरी है. तो यहाँ पर जब कर्स की बात हो या फिर किसी को ब्लेसिंग की बात हो, एडवाइस की बात हो, इन सब जगहों पर एक्सक्लामेशन यूज होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी साइन भी कहते हैं. तो यहाँ पर गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता है, यहाँ पर संबंध सभी भगवान से बताया गया है, सभी जितने भगवान है उन लोगों से बताया गया है. तो यहाँ पर गॉड ब्लेसेस यू अप्रोप्रिएट नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज गॉड ब्लेस यू. इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है मैं हमेशा से बोलती हूँ आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करें. मैं सभी सवालों को कवर करने की कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके. थर्ड क्वेश्चन, नो बडी डिनाई द फैक्ट. नो बडी, Anybody, anyone, no one, इन सब के साथ सिंगुलर यूज होता है. सिंगुलर टर्म इज यूज फॉर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. तो नो बडी डिनाई नहीं, नो बडी डिनाइज होगा. और आपको बताते चलो, डिनाई का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को नकार देना, इनकार करना. वर्ड टर्म को समझिए, बहुत जरूरी है. लैंग्वेज के साथ साथ, लिटरेचर के साथ साथ, वोकैबुलरी पे भी आप लोगों को पकड़ बनानी होगी. तो नो बडी डिनाई द फैक्ट नहीं होगा, नो बडी डिनाइज द फैक्ट, सिंगुलर कैरी करता है. Is that clear? Fourth question, Shakespeare's poetry are immortal. The appropriate answer for this question is Shakespeare's poetry is immortal. I have corrected in this are converted into is. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि poetry के लिए are नहीं, is use होता है. और poetries कभी use नहीं होता है. आपने अगर 1000 poetry भी लिखी है,
एक लाख पोएट्री भी लिखी है तो इन टर्म्स ऑफ पोएट्री यूज होगा, पोएट्रीज यूज नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आप पोएट्री आर नहीं, पोएट्री के लिए इज आता है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी, आप कुछ क्वेश्चन में देखेंगे लाइक ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर को हमेशा एक साथ लिखते हैं, ब्रेड एंड राइस नहीं लिखते, बटर एंड करी नहीं लिखते, उसी तरह से राइस एंड करी को एक साथ लिखते हैं। तो राइस एंड करी के लिए आर यूज नहीं होता है, इज यूज होता है, इसको सिंगुलर माना जाता है। मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था कुछ दिन पहले आर्टिकल से रिलेटेड आई थिंक, उसमें मैंने बताया था कि द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर था, तो वहां पे मैंने वर यूज किया था, दैट प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर तो वहां पे वॉज यूज किया था, तो उन टर्म्स में मैंने बताया था आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक उसी तरह से यहाँ पर राइस एंड करी को हम एक टर्म मानते हैं, वहां पर आर नहीं इज यूज होगा। यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे पूछ सकते हैं, आई एम ओपन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड माई चैनल। थैंक यू सो मच।